नमस्कार वंदे मातरम आहुम्स पर इस श्रृंखला में आज हम आहुम मुगल कन्फ्लिक्ट जो जेनेसिस है जो किस वजह से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम लोग जब जेनेसिस की बात करेंगे जो ओरिजिन रूट्स किस तरह से ये शुरू हुआ तो हम लोग जो आहुम आने से पहले वो जब बंगाल सल्तनत के विरुद्ध जो भी अहूम के कुछ जो गुवाहाटी का हिस्सा जो है वो पहले खेन डायनेस्टी के अंडर में था तो बंगल सुल्तनत के विरुद्ध युद्ध हुआ था आसाम एक बहुत बड़ा एरिया है अहम लोगों का जो राज्य है वो जनरली अपर आसाम का पूरा एरिया जो है और अपर आसाम से थोड़ा सा और नीचे इन लोगों का राज था जो लोअर आसाम और स्पेशली गुवाहाटी ये पहले अहम आने से पहले तो ये वाला जो एरिया है ये खेन राजाओं के अंडर में था तो खेन राजाओं को कमाता राजा भी बोलते हैं कमाता किंगडम भी बोलते हैं जब हम इस्लामी आक्रमणकारी पहली बार असम में कब आए वो 1206 सौ गुवाहाटी में एक कनाई वारासी शिलालेख है कि नॉर्थ गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल साइड में एक पहाड़ी टीला में ये स्थित है तो इस ये एक छोटा सा फोर्ट एरिया है इसमें मंदिर भी है शिव का मंदिर है काली माँ का मंदिर है गणेश का मंदिर भी है और यहाँ कई सारे शिलालेख है जो सबसे पुराना शिलालेख बारह का है ये उस समय का जो राजा है खेन राजा राजा प्रथु उन्होंने बख्तियार खिलजी को हराया था युद्ध में जब बख्तियार खिलजी उस समय 1206 में हम लोग जब इतिहास में ये जो असम में जो राजा थे उसने जो बख्तियार खिलजी को हराया था इसके बारे में हम लोग चाहे वो नेशनल पाठ्यक्रम हो नेशनल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हो या जो रीजनल असम का ही जो रीजनल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हो उसमें पढ़ने को नहीं मिलता है हमने मैंने असम से पढ़ी हो लेकिन मैंने कभी राजा पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ा है बुक्स में तो शिलालेख में भखतर खिलजी का हार के बारे में वहाँ उस शिलालेख में जिक्र है इसके अलावा जो अहूम्स कई सारे बैटल्स हुए उसमें अहुम्स का जो जीत हुए थे उसके बारे में भी और तीन चार शिलालेख है उसमें जिक्र है तो ये राजा पृथ्वी के बाद राजा 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 संध्या संध्या थे उसके के अगेंस्ट में भी बंगाल सल्तनत फोर्सेस आक्रमण किए थे तो उस युद्ध में राजा संध्या जीत गए थे उसके बाद भी मतलब कंटिन्यूसली जब बंगाल सल्तनत की जो फोर्सेस है वो लगातार असम में आक्रमण करते थे और लगातार जीत हासिल हुआ था और बीच बीच में कभी कभी वो हार जाते थे वो थोड़ा समय के लिए ये जो इस्लामी आक्रंताओं के हाथ में थोड़ा समय के लिए होता था लेकिन दे यूज टू तो रिक्लेम बैक द टेरिटरीज 1498 में उस समय का खेन राजा मतलब कमाता किंगडम का राजा था नीलांबर वो थोड़ा सा विक आ, राजा निकले और उस समय का बेंगल सुल्तानेट का जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन हुसैन शाही ये अपना एक अलग ही डायनेस्टी क्रिएट किया था हुसैन शाही डायनेस्टी तो इन्होंने अपना एक पूरा स्ट्रांग फोर्सेस भेजे और नीलम्बर को हरा दिया युद्ध में और वहाँ उसका बेटा हुसैन शाही का बेटा दानियाल हुसैन को वहाँ राजगद्दी में वहाँ बिठा दिया तो असम में थोड़ा थोड़ा ईयर्स के लिए ये बंगाल सुल्तनत फोर्सेस का थोड़ा सा शासन चली उसके बाद बारह भूया की बात आती है बारह भूया का मतलब है बारह छोटे छोटे मिलिट्री जमींदार्स असम में कुछ कुछ एकदम छोटे 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 जगहों का जमींदार हुआ करते थे वो मिलिट्रीली पूरा वो लोग दे यूज टू गेट ट्रेन इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर और हम जब राजा पृथ्वी की बात करते हैं उन्होंने जो बंगाल सुल्तनत फोर्सेस भख्तियार खल को जब हराया था तो बारह भूया लोगों ने भी उनका साथ दिया था इसके अलावा वहाँ के और छोटे छोटे जो भी राजवंश थे उन लोगों का भी हेल्प लिया था राजा पृथ्वी ने राजा संध्या ने भी इस तरह से हेल्प लिया था अल्टीमेटली जब नीलम्बर का हार हुआ और वहाँ सल बंगल सुल्तनत की वहाँ शासन होने लगे तो ये बारह भूया फिर इकट्ठा हुए और भी छोटे छोटे जो राज्य है उनका साथ लेकर इन लोगों ने ये बंगल सुल्तनत फोर्सेस की जो वहाँ धनियाल हुसैन को अटैक किया अटैक किया तो ये जो बारह भूया लोग जीत गए और दनियाल को इन लोगों ने इम्प्रिजन किया और फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिए इनको मार दिए और उस समय उस के बाद क्योंकि वो जो हुसैन शाही का बेटा को मार दिए गए तो कुछ साल तक बंगाल सुल्तनत फोर्सेस का अटैक बंद हो गया तो बारह लोग भी कुछ साल वहाँ राज किए उसके बाद कोच राजवंशी इन लोगों का पहले भी शासन रहा है लेकिन बीच में ये लोग लुप्त हो गए थे अब इन लोगों का अगर कोई राज्यभर था तो बहुत छोटा इलाके में था तो इन लोगों ने बारह भूया को अटैक किया तो इन लोगों ने और छोटे छोटे राज्यों का आ, हेल्प लिया और बारो भूया लोगों को हरा के वापस जो इन लोगों का शासन चला उसका पहला राजा था विश्व सिंह जो ये बारो भूया का जो लीडर था उनका नाम था हरूप नारायण जिन्होंने पूरा लीड किया था और धनियाल हुसैन को हराया और उनका मरवाया उसका नाम था हरूप नारायण तो विश्व सिंघा ने इनको कोच बुलाए जाते थे तो इन्होंने एक और उपाधि ऐड किया उसका नाम है राजवंशी तो इनको तब से विश्व सिंह के बाद इन को कोच राजवंशी के नाम से जाने जाते थे तो कोच राजवंशी का जो विश्व सिंहा ने 1515 15 से 1540 तक रूल किया जब तक उनका शासन था तब तक सही था उसका उनके मृत्यु के बाद जो भी राजा हुए तो इनके बीच में आपस में बहुत झगड़ा हुआ और इसके लिए फिर तीन हिस्सों में बट गए जो कोच डायनेस्टी का जो भी राज्य था तीन हिस्सों में बट गए तो वो पहले कोच बिहार कोच हाजो और कोच खासपुर ये तो बाद में आता है तो फिर पहले विश्व सिंघा के जो बेटा है नरन नारायण वो राजा बनता है तो नरन नारायण का भाई है विश्व सिंघा का और एक बेटा है चिला राय चिला राय को वो अपना मिलिट्री कमांडर बनाता है और प्राइम मिनिस्टर भी बनाता है अपने छोटे भाई को मतलब नरन नारायण ने और बहुत दिन तक उसका कोई बच्चा नहीं होता है लेकिन चिलाराय का एक बेटा होता है उसका नाम है रघुदेव तो ये तय किया नरनारायण कि अगर मेरा कोई बच्चा नहीं होता है अगर मेरा मृत्यु होता है तो मेरे बाद रघुदेव कोच डायनेस्टी का राजा बनेगा कोच राजवंशी वाला राजा बनेगा तो ये रघुदेव भी बहुत उनको बहुत ये होप में रहते थे कि एक दिन मैं राजा बनूंगा लेकिन बहुत बाद बहुत सालों बाद जाके नरन नारायण का एक बेटा होता है उसका नाम है लक्ष्मी नारायण तो इनका जो रघुदेव का जो पूरा जो एक होप है वो पूरा शेटर हो जाती है उसको राज्य भार भी क्योंकि उतने इतना सपने देख लिए तो उसको एक राज्य चाहिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने रिवोल्ट किया जो कोच डायनेस्टी का जो ईस्टर्न पार्ट है उन्होंने वहां अपना घर जमा लिया घर जमा लिया अपने आप को उन्होंने स्वाधीनता मान के वो अपने आप को राजा घोषित कर दिया और नरन नारायण क्योंकि वो अपने भाई का बेटा है उन्होंने भी कोई उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया उसने बोला चलो तुम तो अपना राज्य संभालो अच्छे से चलाओ तो उन्होंने कुछ कोई ना कंप्लेन किया ना उनके विरुद्ध में युद्ध करने चले गए वो चुपचाप रहा तो इन्होंने जो राज्य अलग से बनाया इसका नाम था कोच हाजो तो रघुदेव का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम उसका बाउंड्री जो था बांग्लादेश का माइमे सिंह के फॉरेस्ट तक उसका बाउंड्री था तो क्या करता था उनको ये था कि जो उस समय तो बांग्लादेश भी पार्ट ऑफ बंगाल ही था तो बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस के अंडर ही नहीं वो था तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया रघुदेव वो बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस के विरुद्ध तो मामन सिंह में जो भी बंगाल सुल्तानेट का गवर्नर था उसके विरुद्ध वो लड़ाई कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए तो अक्सर ये युद्ध हुआ करते थे बाद में मुगलों के विरुद्ध में भी युद्ध शुरू हो गया क्योंकि बंगाल सुल्तानेट के बंगाल के कुछ कुछ हिस्से मुगल लोगों का डोमिनियन हुआ था और आ, मुगल्स लोग अपना गवर्नर वहाँ रूल किए थे तो वो गवर्नर के अगेंस्ट भी ये लोग कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो अल्टीमेटली वो मुगलों के साथ भी और बंगाल सुल्तानत के जो इंडिपेंडेंट बंगल सल्तनत के जो किंगडम थे तो वो दोनों के साथ रघुदेव का लड़ाई शुरू हो गया तो रघुदेव ने सोलह में रघुदेव ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक सैन्य मिलिट्री एड चाहिए था तो अहम लोगों के साथ उन्होंने हेल्प मांगी मिलिट्री एड तो इसमें फिर मैरिज अलायंस हुआ उनका बेटी जो है दोए उनके बेटी का नाम है मंगल दोए मंगल को उस समय के जो अहूम राजा है उनके साथ प्रताप सिंह पतंग प्रताप सिंह के साथ मंगलदेव की शादी होती है उसके बाद प्रताप सिंह भी हाँ कह देते मिलिट्री एड देने के लिए लेकिन रघुदेव का मृत्यु हो जाती है सोलह में फिर वो जो मुगलों लड़ाई करने के लिए वो जो उनका प्लान था वो फिर वहां खत्म हो जाती है तो रघुदेव का बेटा परीक्षित वो राजा बनता है परीक्षित जो है वो सोलह में मुगलों के विरुद्ध लड़ाई करता है एक युद्ध होता है उस युद्ध में जीत जाता है परीक्षित फिर सोलह चौदह में और एक बैटल होता है और वो बैटल में राजा परीक्षित हार जाता है और वो उनका मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद। तो इसके बाद क्या होता है जो मुगल्स लोगों का वहाँ जो कोच डायनेस्टी का जो भी किंगडम है क्योंकि मुगल्स के विरुद्ध हार जाता है तो वो मुगल्स के अंडर कंट्रोल में आ जाता है फिर तो उसका बिल्कुल लगा हुआ साम्राज्य है आहुम लोगों का तो आहूम का जो है वो सोलह सौ पंद्रह सोलह सो सोलह में शुरू हो जाती है और हम जब आगे जाके हम बैटल्स की बात करते हैं बैटल ऑफ सरायघाट बैटल ऑफ इटाखुली, बैटल ऑफ सरायघाट होती है सोलह सो सेवनटी वन और बैटल ऑफ इटाखुली होता है सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी टू तो सोलह सौ पंद्रह से लेकर सिक्सटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन और फिर उसके बाद एटी टू के बीच में काफी कई सारे युद्ध होता है बिटवीन द मुगल्स एंड द्स जैसे हम लोग ये पढ़ने को मिलता है जो मराठा और मुगलों के बीच में 27 सेवन ईयर लॉन्ग बैटल के बारे में हम सुनते हैं तो लगातार युद्ध होते रहते होते रहते कभी मुगल जीत जाते हैं कभी मराठा जीत जाते हैं तो ये कंटिन्यूस बैटल्स होते रहते हैं ठीक इसी तरह अहूम और मुगल्स के बीच में जो सोलह सौ पंद्रह में जो युद्ध शुरू हुई वो जाके अल्टीमेटली सिक्सटीन बैटल ऑफ इटाल खुली के साथ जाके वो समाप्त होती है तो इसी बीच में कई सारे युद्ध होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे जो मेजर बैटल्स है वो तो सरायघाट और ईटाखुली है उसके पहले भी जो छोटे छोटे बैटल्स है जो कुछ ट्रीटीज साइन हुए थे अहूम्स और मुगल्स के बीच में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो सोलह सौ और सोलह सौ के बीच में सीरीज ऑफ बैटल्स होता है मुगल्स अहम लोगों को अटैक करते हैं तो उस समय प्रताप सिंहा मुगल का राजा है तो प्रताप सिंहा खुद वो बैटल लीड करते हैं और सोलह सौ सोलह में भराली में अहूम्स लोग जीत जाते हैं और जो दरंग दरंग एक कोच लोगों कोच राजवंशी का ही इलाका है दरंग दरंग का लोग कैप्चर कर लेते हैं तो कोच राजवंशी का किंगडम बहुत बड़ा है उसमें से बंगल सुल्तानत और अल्टीमेटली बंगल सुल्तानत भी मुगल्स के अंडर आ जाता है तो ये सारा मुगलों के अंडर में हो जाते हैं फिर आउंस लोग पहला पहले इन लोगों का दरंग जो एरिया है वो हासिल होता है दरंग में परीक्षित का राजा बलि नारायण को वहाँ राजगद्दी में बिठा देता है और उनको एक वैसल रूलर बना लेते हैं क्योंकि अहम लोगों का भी अप, जब आसाम की बात करते हैं जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा एरिया है अपर आसाम की बात ही करें तो बहुत वो भी बहुत बड़ा एरिया है जब हम गुवाहाटी से अपर आसाम जैसे मैं तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ अपर आसाम के और वो जोरहाट शिव सागर तीनसुकिया ये सब अहम्स के अंडर थे तो गुवाहाटी से अगर बाई रोड अगर हम तिनसुकिया में जाते हैं तो बारह घंटा लगता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है तो ये गुवाहाटी कामरूप और नीचे जो दरंग और ग्वालपारा और भी नीचे नामरूप ये निचले जो लोअर असम का हिस्सा है ये सारे कोच राजवंश का है, उन लोगों का राजवंश का हिस्सा था जो मुगलों ने परीक्षित को हरा के वो हासिल कर लिए थे तो अहम लोगों का पहला बैटल जो होता है सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टीन वो उसमें से उसका इलाका जो है उसमें से दरंग एरिया वो दरंग एरिया भी बहुत बड़ा एरिया है वो हासिल कर लेता है और फिर अहम लोग ने बलि नारायण प्रताप सिंह जो अहम राजा है उन्होंने परीक्षित का बेटा बलि नारायण को राजगति में बिठाता है और बलि बलि नारायण को बहुत सारे गिफ्ट्स और उनके वाइफ को भी और पूरा उनका बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं और उनको और बलि नारायण भी अहम लोगों को एस वैसल रूलर्स लोग जैसे ट्रिब्यूट्स देते हैं और उनको ही मेन राजा मानते हैं सॉवरेंटी अपना नहीं होता है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके बाद जो कई सारे युद्ध होती है तो कोच जो राजा है बली नारायण अहम लोग वो लोग दोनों मिल के फिर मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की जो बाकी जो कोच वाले इलाका जो है वो कुछ कुछ कोच इलाके वापस ले ली, ली जैसे कि हजो ग्वालपरा ये सब जगह वापस ले ली मुगलों के विरुद्ध लड़ाई करके हम लोग जीत गए थे इसमें फिर जो बली नारायण है उसने अपना कैपिटल दरंग से हजो तक शिफ्ट कर लिया फिर हजो से वो रूल करने लग गए फिर 1637 1637 में मुगल ने मुगलों ने कई बार अटैक कर लिए काफी सारे कई सारे बैटल्स हुए और 1638 में जो कोच लोग और अहम लोग मिलकर लड़ाई लड़े थे इसमें तो 1638 में थर्टी नारायण में बलिनारायण के वीरगति होती है बैटलफील्ड में और वो युद्ध होता है सिंगारी तो सिंगारी में अहोम श्लोक मतलब अहोम का भी इसमें हार होती है सिक्सटीन में और फिर उसके बाद फिर दोबारा जीत होती है इसलिए हार जीत हार जीत चलते रहते हैं फिर 1639 में एक ट्रिटी साइन होता है आबूर आली ट्रिटी का नाम है मुगल और अहूम के बीच में वह टेरिटरी डिसाइड करता है मुगल और अहूम का बाउंड्री एक टेरिटरी होता है और वो बड़ नदी एक नदी है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है उसका काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज है अनेकों ट्रिब्यूटरीज है सिर्फ गुवाहाटी गुवाहाटी और उस इलाके में कोच राजवंशी वाले इलाके में काफी सारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे मानस नदी वो भी एक ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है बहुत बड़ा नदी है और बर्न नदी भी एक ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है तो बर्न नदी को एक जो बाउंड्री है वो उस टिटी के हिसाब से दोनों आहूँ भी मान लिए और ये मुगल्स भी मान लिए उसके बाद कुछ सालों तक जैसे उनका मृत्यु हो जाता है बलि नारायण का तो मृत्यु हो जाता है उसका बेटा महेंद्र नारायण को फिर दरंग का राजा बनाया जाता है फिर उसके बाद चंद्र नारायण उसके बाद सूर्य नारायण तो इस तरह से कोच राहू का जो एक क्या बोलते है ये वैसल रूलर है और दोनों मिलके जो मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की तो ये जो जेनेसिस है ये है जेनेसिस जिसकी वजह से वो मुगल और अहूम के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है डायरेक्ट अहूम से कंफ्लिक नहीं होता है क्योंकि कोच को वो सहाय करता है वो हेल्प करते हैं कोच किंगडम को वो वैसल रूलर बना लेते हैं और जैसे मुगल्स लोग जो भी आक्रमण करते हैं मेन अहम टेरिटरी में आते नहीं है वो कोच टेरिटरी में है फंसा रहता है और उसी को वो लोग अहूम्स लोग कोच रूलर्स को हेल्प करते हैं और काफी सारे बैटल्स में अहम लोगों ने जीत हासिल की वापस टेरिटरीज भी ली जैसे ग्वालपारा हजो दरंग ये सब वापस ले ली थी कई बार युद्ध होकर फिर दोनों दोनों के बीच में एक ट्रिटी साइन होता है उस ट्रिटी के अनुसार बड़ नदी जो है वो एक बाउंड्री एक लाइन खींची जाती है वो एक दोनों का बाउंड्री टेरिटरी है आगे जाके हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में जो मेन जो बैटल्स हुए हैं बैटल ऑफ सरायघाट जिसमें हम लाचित बर्फूकन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बैटल ऑफ इटाफुली तो ये दोनों बैटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये इन सारे बैटल्स का भी जेनेसिस मेनली यही है जो शुरुआत जो पंद्रह सिक्स सोलह सो पंद्रह से शुरू होती है अहूम के साथ जो मुगल कन्फ्लिक्ट तो तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम